दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने वीक के सबसे इम्पोर्टेंट डे यानी संडे मील प्लानिंग के बारे में। आई होप कि आपने अभी तक की हमारे सारे वीडियोस मंडे टू सैटरडे मील प्लानिंग सब देख ही लिए होंगे और डेफिनेटली उसको फॉलो करने के बाद आपको एक बढ़िया रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गया होगा। तो जैसा कि गाइस हम सभी के लिए संडे एक रिफ्रेशमेंट डे की तरह आता है जिसमें पूरे वीक काम करने के बाद हम थोड़ा एंजॉयमेंट के मूड में हो जाते हैं। हम कुछ बढ़िया खाना चाहते हैं, बढ़िया खेलना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, थोड़ा फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं। तो बिलीव मी गाइस कि आज के इस वीकेंड प्लान में मैं आपको एक बढ़िया डाइट के साथ ही साथ एक बढ़िया हैप्पी संडे लाइफ के बारे में भी बताने वाली हूँ जो आपके संडे को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड एंटरटेनिंग बना देने वाला है। तो आपको इस स्ट्रेटजी पर काम करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे वीक अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के बाद आप संडे के दिन इतना ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर लें जो कि आपके पूरे हफ्ते की किए कराई मेहनत पर पानी फेर दे, और इतना ज्यादा डिसिप्लिन में रहकर डाइट को भी फॉलो नहीं करना है कि आप खुद भी और आपसे आपकी फैमिली भी बोर होने लगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सुबह उठकर बाकी के दिनों की तरह अपना सेम रूटीन फॉलो करना है, यानी वही गर्म पानी पीना, फिर फ्रेश होना, अपने शेक को बना कर लेना, फिर उसके बाद थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी बॉडी से कुछ कैलोरीज को रिमूव करना, फिर उसके बाद 10 से 11 के बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक्स करना। मगर आज के दिन आपको ये छूट है कि आज दोपहर की मील को आप अपना चीट मील भी कर सकते हो, यानी आप अपनी फैमिली के साथ किसी भी तरह की मील को आराम से एंजॉय कर सकते हो। मगर उसके आधे घंटे के बाद आपको ग्रीन टी और एनर्जी ड्रिंक दोनों को मिलाकर लेना है। शाम को आपको इवनिंग स्नैक्स करना है, शाम को भी आपको इवनिंग स्नैक्स में ग्रीन टी लेना है। और अगर आप अपने इन मिड मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक्स के बारे में ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल में हेल्दी स्नैक्स वाला वीडियो जरूर देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर रात में अगर आप घर पर रुक रहे हैं, आपका फैमिली के साथ घूमने जाने का कोई प्लान नहीं है, तो आप फिर से यहाँ पर शेक ले सकते हैं या फिर आप घर का बना हुआ कोई भी खाना आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। अब इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो एक तो अक्सर गाइस हम लोग ये गलती कर देते हैं कि हम लोग पूरे वीक में सेम डाइट एंड सेम रूटीन फॉलो करके अपनी बॉडी को एक जैसे पैटर्न की आदत डाल लेते हैं, जो कि कई केसेस में हमारे पास अक्सर लोगों की क्वेरीज आ जाती है कि ढेर सारे जतन करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी डाइट के साथ ही साथ अपने रूटीन में भी थोड़ा सा चेंज करते रहें, जिससे आपकी बॉडी हैबिचुअल ना होने पाए और आपको प्रॉपर रिजल्ट आए और कभी भी आपका वेट प्लाटो वाली सिचुएशन ना होने पाए। आपने देखा होगा कि पूरे वीकेंड में भी मैंने छोटे छोटे चेंज आपकी डाइट में, आपके शेक की टाइमिंग में करवाए हैं, और इस संडे वाले दिन मैंने पूरा फुल आपको फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले लाइफस्टाइल के बारे में बताने की कोशिश करी है। और अगर आपको लगता है कि अभी फिलहाल आपको चीट मील या चीट डे की जरूरत नहीं है तो आप संडे वाले दिन को अपना डिटॉक्सिफाई डे भी बना सकते हो। वैसे इसके अलावा कोशिश करना है कि एवरी 10 डेज में आपको कम से कम 2 डेज, चाहे वह हर 5 दिन के बाद एक दिन हो या फिर हर 10 दिन के बाद 2 दिन हो, आपको डिटॉक्सिफाई डे जरूर करने चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो गाइस इस संडे मील प्लानिंग में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ मैंने फाइनली आपको पूरे वीक के सातों दिन की डाइट के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। अब आप इसी वीक प्लानिंग को फॉलो करते हुए अपना नेक्स्ट वीक और अपना पूरा महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इन्हीं मील प्लानिंग्स को आगे पीछे करके अपने डेली रूटीन में अप्लाई करते रहोगे तो आपको 100% अपने आइडियल बॉडी शेप और अपने आइडियल बॉडी वेट पर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है।
और अगर अभी तक आपने हमारे मंडे टू संडे वाले मील प्लानिंग वीडियोस को पूरा नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के उन वीडियोस को देखकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर ले लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।